सिद्धांत तो भागवत का भी वही है, जन्म सतः सतो मृत्यु असत बंध, ये जन्म सतः इस समय मुक्ति नहीं है, मैं मुक्त नहीं हूँ, ये अमुक अमुक साधना अभ्यास करने से उत्पन्न होगी, जन्म सतः इदानीम असतो मोक्ष से जन्म सतो मृत्यु इदानीम सतो बंध से मृत्यु, इस समय जो बंधन सत्य है वो नष्ट होगा। ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सतम उत आत्मनि देच भेदाम, और आत्मा में जो भेद स्वीकार करते हैं जनी मतथा सतो मृत्यु वैसे सीखा दे रहा, और आत्मनि देच भेदाम संख्या दे रहा, आत्मा में जो भेद स्वीकार करते हैं आत्मनि देच भेदाम विदाम स्मरण की मीमांसा दे रहा, जो इस व्यापार को कि यहाँ देंगे तो वहाँ मिलेगा, वहाँ भी अप्सरे चाहिए, वहाँ भी पीने को अमृत ही चाहिए, वहाँ भी नंदन बन ही चाहिए, वहाँ भी नित्य किशोर अवस्था चाहिए, दाढ़ी मूछ वहाँ बनानी नहीं पड़ती है, तो आत्मनि जेतु विराम विपण अमृतम स्मरण की उपदिशन की तो आरोपित है, ये अध्यारोप के द्वारा ऐसा उपदेश करते हैं। त्रिगुणमय कुमान इति विदा यदपूर्व कृता, जिस परमात्मा के अज्ञान से ये मालूम पड़ता है कि पुरुष सात्विक है राजस है तामस है, गुणों का संबंध मालूम पड़ता है, त्रिगुणमय कुमान इति विदा यदपूर्व कृता त्वयी न ततः परत्र सभवेद अवबोध रसे, एक अवबोध रस सच्चिदानंद घन अद्वितीय आत्मा में वो भेद नहीं है। तो श्रीमद् भागवत का सिद्धांत तो वही है जो उपनिषद का सिद्धांत है, उसमें जो अंतर डालते हैं, लेकिन तत्रोपाय सहस्राणाम अयम भगवतोदितः, उस बोध की प्राप्ति के लिए जो उपाय हैं वो ये साक्षात भगवान ने स्वयं श्रीमद् से बताए हैं। उपाय शिक्षमाणा नाम बाधा नाम उपलाधना असत्य वर्तमान स्थिति तथा सत्यम सुनी है, उपादायापी के हेया उपाय प्रसिद्धि का उपाय शब्द की अद्भुत उत्पत्ति है, उपादायापी जे हेया, तो जैसे नदी पार करने के लिए नौका भी उपाय होते हैं, वैसे भक्त्या नाम भी जाना थी, और सहज जो देखो अन्य के प्रति जो प्रेम है वो अपना साथ है, आत्मा के प्रति जो प्रेम है वो स्वाभाविक है, सहज है। तो जब ही हम भगवान से सत्य प्रेम करना चाहते हैं तो भगवान को हमारा आत्मा होना पड़ेगा, तब सत्य प्रेम होगा, सच्चा प्रेम होगा। तो जो भगवत प्रेम है वो तो जब तक भगवान अन्य है तब तक आभ्यासिक है, जब भगवान अपनी आत्मा हो जाएंगे तब वो प्रेम स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि आत्मा से स्वाभाविक प्रेम वही है अनादि। जब ही भगवान हमारे आत्मा है तो हमारा सहज प्रेम भगवान से होगा। परम कारणमपि अवरम अथवा परावर रूपे सर्वस्व दृष्ट एवात्मनि दृष्ट एवात्मनीश्वरे दृष्ट एवात्मनि और दृष्टि तस्मिन परावर चीन का प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, ईसावास के निधम सर्वन के जैसे आत्मावास अपने जीवन में सुख बना, ये तो सबको अभीष्ट है, प्राणी मात्र को अभीष्ट है कि हमको सुख रहे, कैसा सुख रहे सर्वदा रहे, सर्वदा सुख तो तभी होगा जब सुख अपना आत्मा होगा, सर्वत्र रहे सर्वदेश में,
तो अपना आत्मा होगा तो जहां हम होंगे वहीं सुख होगा। स्वर्ग रूप में रहे जो हमारे सामने बस बता दिया है सब सुख रूप ही है, तो सर्वात्मा का बोध चाहिए उसके लिए। बिना प्रयास के हो, बिना प्रयास के सुख हो तो स्वस्वरूप ही चाहिए। तो सर्व देश में हो, सर्व काल में हो, सर्व रूप में हो, बिना प्रयास के हो और पराधीन न हो। यदि पराधीन होगा तो सुख सुख नहीं रहेगा। सर्वम परवशम दुखम सर्वनाश वसम सुखम, तो ऐसा सुख क्या है? उसी सुख का नाम जब अन्य रूप से लेते हैं तो उसका नाम ईश्वर है, और जब स्वस्वरूप का बोध होता है तो वही सर्वदेश में सर्वकाल में सर्ववस्तु के रूप में अनायास अपराधी और प्रकाशमान स्वयं प्रकाश ईश्वर वो वही है। तो अन्य इच्छा अधीन नहीं होना चाहिए, अन्य इच्छा अधीन इच्छा विषय सुख में होना चाहिए, गुलामी नहीं है, सुख में गुलामी नहीं हो सकती। स्वातंत्र परम स्वातंत्र आप सुखनाश होते। यदि संसार का सुख लेना चाहते हो तो गोविंद जी का दर्शन कभी मत कर। गोविंद कंठे महाप्रेक्षिष्ठास्तो यदि सत्य बंधु संगे स्थिर ऋतु शांत तिरस्कृत वाच्य बने जिसको बोले, जिसमें वाच्य ध्वनि जो है मत देखना वो अत्यंत तिरस्कृत माने देखना जरूर देखना, इसका मतलब है जरूर देखना। अब अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि द्रव्य प्रतीति समकाल ही देश काल होते हैं। द्रव्यातिरिक्त देश द्रव्यातिरिक्त काल नहीं होता है, और प्रतीति से अतिरिक्त द्रव्य नहीं होता। तो जो द्रव्य देश सहित काल सहित जिस प्रतीति में है उससे पृथक उसका देश काल। अच्छा, जितने नाम है वे सब के सब कल्पित है मानस है, और जितने रूप है वे सब ऐन्द्रियक है। इसलिए जहाँ मन और इंद्रिय दोनों का अपवाद हो जाएगा वहां नाम रहेगा रविंद्र रहेगा। जब हम मन और इंद्रियों को मैं मेरा करके पकड़े हुए तभी तक इंद्रियों से अंतकरण इंद्रियों को अंत कर रहे हैं, क्योंकि चक्षुरादि इंद्रियों को दृश्य नहीं है वृत्ति रूप ही है। तो ये नाम और रूप दोनों वार्तिक है वृत्तिजन वार्तिक मान वृत्तिजन। ये जितना शुभ अशुभ हे उपाधे उसका सबका अलग अलग करने वाला अवच्छेदक केवल शब्द ही है। इसी को बाकारंभारो नाम देवम वृत्ति के वेद के एक अंश को प्रमाण मानना या समग्र वेद की संगति लगाना है, तो केवल एक अंश को प्रमाण मानना ये और दर्शनों में है, परंतु संपूर्ण वेद की जो संगति है किसी ने उपनिषद को अर्थवाद कर दिया और किसी ने बौद्धों के खंडन की दृष्टि से बाह्य द्रव्यों को सिद्ध किया और किसी ने कारण की एकता की सिद्धि के लिए प्रकृतिवाद को सिद्ध किया और किसी ने प्राकृत में जो भेद के निमित्त हैं उनको सिद्ध करने के लिए कर्म का प्रतिपादन किया। सब के सब प्रापंचिक प्रयोजन से ही दर्शन हुए हैं। उनकी आत्मसिद्धि में आत्मा के ब्रह्मत्व सिद्धि में उनका प्रयोजन नहीं है, प्रपंच का कारण
एक प्रकृति है जड़, तो उसमें भेद क्यों है, तो कर्म के निमित्त से है। और प्रकृति तो अंतरंग कारण है, इसलिए सब का सब मानस हो जाएगा, बौद्ध मत की प्राप्ति हो जाएगी तुरंत। तो द्रव्य जो है वो बाह्य द्रव्य जो है वो देखो चार बाग जो है वो बाह्य कारण वाली है, और जैनों में केवल कर्म को ही कारण मानते हैं, प्रपंच को अनादि मानते हैं। कर्म के साथ द्रव्य भी संदेह है पूर्व मीमांसा के अनुसार। पूर्व मीमांसा में प्रकृति को नहीं मानते, परमाणु को तो मानते हैं। तो बौद्धों में जो वैज्ञानिक हैं उनका जगत कारण चित्त है, इसलिए अंतरंग है। वैशेषिकों में जगत कारण परमाणु है, इसलिए बाह्य। और प्रकृति और पुरुष, पुरुष और बुद्धि के बीच में प्रकृति रहती है, इसलिए बुद्धि से अंतरंग होने के कारण भले ही समष्टि हो व्यष्टि हो अंतरंग है। और कर्म जो है वो भी अंतरंग कारण ही है, क्योंकि वो पुरुष के साथ ही रहता है, अंतःकरण में ही रहता है। और कश्मीरी शैव ये भी आत्मोल्लास माने अंतरंग कारण वाले हैं। भगवान आप अंतरंग कहते क्या हम लोग सिद्ध करें माने कारण बाद में, सब कारण बाद, असब कारण बाद, बहिरंग कारण बाद, अंतरंग कारण बाद, ये सब बहुत से विवाद है। और परमात्मा की अद्वितीयता की सिद्धि में कार्य कारण का कोई विवाद नहीं, इसलिए अविवादो विरुद्ध जो धर्म निबोधक। कार्य कारण की जो कल्पना है वो मनोदोष, इस कारण से ये हुआ, इस कार्य से ये हुआ, इस मनुष्य से ये हुआ। समग्र व्यवहार में भी कार्य कारण का व्यवहार तो होता है, परंतु परमार्थ दृष्टि से वो नहीं आता। और जो उपासना के जितने धर्म हैं वो विषय का ही प्रतिपादन करते हैं। तो नेदम जदि वो उपासते, तो विषय तो तब होगा ना जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी या पंचभूत की उत्पत्ति होगी। पंचभूत की उत्पत्ति हुए बिना वृत्ति का विषय क्या होगा, न वृत्ति होगी न विषय होगा। इसलिए संसार की उत्पत्ति होने के पश्चात ही मन और मन का विषय होता है। तो इसी से उपासना स्रोतो धर्म जाते ब्रह्मन बढ़ते। और उत्पन्न द्रव्य में यदि आस्था करोगे तो राग द्वेष जरूर होगा, रुद्राक्ष और तुलसी का भेद, कंठी माला का भेद जरूर आवेगा, काले गोरे का भेद जरूर आवेगा, साकार निराकार का भेद जरूर आवेगा, क्योंकि ये तो सारा का सारा ही प्रासंगिक है। जो संसार से होने पर उसके कारण के रूप में या कार्य के रूप में या अंश के रूप में होता है, और एक ईश्वर ऐसा है जो संसार के बिना होता है। जहाँ संसार की उत्पत्ति प्रलय है ही नहीं, वहाँ है एक ईश्वर निर्भर। तो वो ईश्वर कौन होगा, तो अपने आत्मा के अतिरिक्त और उसमें साक्षी साक्ष्य का भेद भी नहीं होगा। ये इसी से ये वस्तु जो है सर्वजन साधारण नहीं है, जिसको प्रपंच से वैराग्य नहीं है, प्रपंच में सत्यत्व की भ्रांति है, उपादेय की विधि है, राग द्वेष है, प्रिय अप्रिय है, उसके लिए ये वस्तु सुलभ नहीं है। ये निकाले हैं कि बाह्य कारण बाद जो है परमाणु कारण बाद आदि वो संगत असंगत है। इसलिए बीज भूता जो प्रकृति है, बुद्धि भेद की भी बीज भूता जो प्रकृति है, वो आत्मा से अत्यंत सन्निकृष्ट है। इसलिए शरीर से भी, इंद्रिय से भी, मन से भी, बुद्धि से भी अत्यंत का प्रकृति होती है। यदि आप सांख्य के कारण के महत्त्व जिसको सांख्य वाले बोलते हैं, वो स्वयं ही बुद्धि से अंतरंग प्रकृति को मानते हैं, इसलिए उनकी भाषा में हम उसको अंतरंग बोलते हैं।
वेदांतियों की भाषा में अंतरंग बहिरंग नहीं है। महत्व का अर्थ ये हुआ कि देश की लंबाई चौड़ाई और काल की नित्यता, ये दोनों महत तत्व में ही होती हैं। महत तत्व की उत्पत्ति के पूर्व देश और काल की कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए देश कालगत जो महत्व है वो जब प्रकृति में प्रकट होता है तो उसका नाम महत तत्व हो जाता है, इसी से उसको बुद्धि कहते हैं। माने देश और काल दोनों ही बहुत माने छोटा बड़ा। हाँ, बड़ा। और हम लोगों का जो महत्व है वो सांख्य वाला महत्व तो नहीं है, वो तो वेदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम समस्त पुरस्कार या महानतम विभुम आत्मान मत्वा धीरो में सोचती। वहाँ जो महत्व है वो देश काल से अपरिच्छिन्न के लिए है, और सांख्य में जो महत्व है वो देश काल युक्त है, प्रकृति का कार्य है। तो वो कार्य और कारण दोनों है, पंच तन्मात्राओं का, पंच महाभूतों का कारण है और प्रकृति का कार्य है, इसलिए प्रकृति की दृष्टि से वो कार्य है और पंच महाभूतों की दृष्टि से कारण, ऐसा बोलते हैं। द्रव्य हो और उससे वैराग्य हो, द्रव्यगत दोष देख करके और उससे विलक्षण पुरुष हो और अपनी असंगता का अनुभव करे, परंतु आकाशगत जो नीलिमा है उससे वैराग्य कैसा होगा? तो उसके मिथ्यात्व का जो निश्चय है, मिथ्यात्व निश्चय पर व्यवसायी वैराग्य होना चाहिए और वो सांख्य और योग के पास नहीं है। महाराज जी ये तो बात है तत्व ज्ञान आनंद पर, पहले तत्व ज्ञान हो जाएगा तभी तो निश्चय पूर्ण स्थिति क्या हो। यदि अन्य रूप से भी तत्पदार्थ का निश्चय करें तो तत्पद लक्ष्यार्थ में जो देश काल से अपरिच्छिन्न है, ये जो प्रपंच है इसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। और यदि त्वंपद लक्ष्यार्थ का भी विवेक करें तो जो स्वयं प्रकाश दृष्टा है उसमें प्रपंच का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा, और दोनों की एकता होने पर तो प्रपंच की सत्यता का कोई प्रश्न ही नहीं। ये सब प्रभाव को लक्ष्य यानी वाक्य में तो बीज रूप से माना जाता है, लक्ष्य में तो नहीं होगा ना। अधिष्ठान अधिष्ठान जो तत्पद लक्ष्यार्थ है वो अधिष्ठान है, लेकिन महाराज जी पहले ही उसे वाक्य को हम अधिष्ठान और अध्यक्ष भाव को नहीं होगा, पहले नहीं होगा। बिना अधिष्ठान और स्वप्रकाश की एकता के प्रपंच का वास्तविक मिथ्यात्व बोध नहीं होगा, परंतु अधिष्ठान का विचार करते हैं तो उसमें भी कार्य नहीं है, और स्वयं प्रकाश का विचार करते हैं तो उसमें भी कार्य नहीं है। कारण होगा तो परिणामी होगा और कार्य होगा तो विनाशी होगा। इस तरह से वो चूंकि चेतन कारण है, ईश्वर जो है चेतन है, पद में परमात्मा ये समष्टि दृष्टि हो गई, और आत्मा पद का जब प्रयोग हुआ तो वो प्रत्यक्ष चैतन्य का वाचक हो गई, और दोनों की एकता यही है आगे सर्वभूत स्थितम जो माम भगत से तत्मात्म। ये है कि ये जो हम सोच लेते हैं कि हमने एक बार सुन लिया समझ लिया हो गया, वो बात नहीं है। इसका तो निरंतर ऐसा चिंतन होना चाहिए कि जैसे सहस्र कोटी या ब्रक होता है ना, जैसे मुक्ता पिष्टि की घिसाई होती है, ऐसे अंतकरण में घिस घिस के अंतकरण की सत्ता जो है कार्य कारण रूपता वो मिटा देनी चाहिए। ये बिना निरंतर चिंतन के केवल बतवादी से हो गया ज्ञान, आज परोक्ष ज्ञान हमको हो गया, ऐसा हो जाएगा तो कल क्या होगा? आज तुमको अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा तो कल क्या करोगे बताओ? दुकान करेंगे, रस करेंगे। ये जिंदगी भर के लिए होता है। तो बोले हमको बहुत जल्दी है भाई, गीता प्रेस से आए हैं, महाराज तत्व का उपदेश कर दीजिए। अच्छा, हम तत्व का उपदेश कर देते हैं और उसके बाद हमको क्या करना है? जरा दुकान पर जाने की जल्दी है। अनंत गुण व्याकुलता आत्मा के साक्षात्कार के लिए होती है। स्वयं होने पर
अपने स्वयं का ही पता नहीं है, अपनी स्वयंता ही लुप्त हो गई है। ये संसारी लोग जो बाग विलास करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं, और हम लोग जो उनको बड़ी से बड़ी उत्तम से उत्तम बात बता के संतुष्ट करते हैं उनसे कुछ लेने के लिए, एक क्षण के लिए भी हम दोष को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं जो आता है सो आने दे, तो शत्रुवत है। दोष को स्वीकृति देते हैं और अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहते हैं। ये जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, ये संसारी लोगों के मत में सुखदेव जी बड़े मूर्ख, क्योंकि उन्होंने अद्भुत जीवन व्यतीत किया। सनकादि जो है बाल जीवन व्यतीत किया, जिनको ब्रह्म भी होंगे और संसारी भी बने रहेंगे। बाबा बोलते थे कि श्लोक निंदा चास्य हृदय नोपहन्यास। अपनी निंदा सुन करके जिसके चित्त में चोट न लगे, मनसः क्रोध वेगम हिंसा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान निंदा चास्य हृदय नोपहन्यास। अज्ञानी हो तो देखो वेदांति का क्या हाल होता। यदि वो अपने को अज्ञानी न मानता, अज्ञानी पदार्थ अपने को न मानता, तो अज्ञानी कहने से उसको दुख क्या होता। मानव धर्म जो है इसमें भी है श्रुत्वा पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा जो न रहा न हृष्यति न ग्लायति सविज्ञेय जितेन्द्रिय। ये मनुस्मृति का श्लोक है। भक्ति की बात तो अलग है, वेदांत की बात तो अलग है। श्रुत्वा माने सुनकर, स्पृष्ट्वा माने छूकर, दृष्ट्वा माने देखकर, भुक्त्वा माने खाकर, घ्रात्वा माने सुनकर, जिसके मन में हर्ष और ग्लानि की उत्पत्ति न हो उसका नाम जितेन्द्रिय है। ये मनुस्मृति का श्लोक है। ये तो न भक्ति है न वेदांत है, ये तो साधारण मानव धर्म है। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च जो तथा न हृष्यति न ग्लायति सभी ज्ञेयो जितेन्द्रिय। और जिज्ञासु को अगर दुख है, किसी से उद्वेग है, तो अपने मन से ही उद्वेग है कि मेरे मन में ऐसी बात क्यों आई, मुझे उद्वेग क्यों हुआ, इसने उद्विग्न क्यों किया। जब ये बात आती है तो गहर गुस्सा है, और मेरे मन में उद्वेग क्यों हुआ जब ये बात आती है तो साधक है। इतना मैंने सत्संग किया, इतना विचार किया, इतना भजन किया, इतना वेदांत पढ़ा, और फिर भी मेरे मन में उद्वेग आता है, अभी मेरा मन पक्का नहीं हुआ। जिसको अपने मन में दोष दिखता है वो साधक है, और जिसको दूसरे के मन में दोष दिखता है या क्रिया में या व्यवहार में वो साधक नहीं है।